दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद भारतीय दिग्गजों ने विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा पर अपनी राय रखी है। जी हां, सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अपना बयान देकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा रखी है। क्या कह दिया इन दिग्गजों ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर, उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से महान खिलाड़ी कौन है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इंग्लिश गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत, विराट कोहली से लेकर भारत का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाया और यही नतीजा रहा कि भारत को दूसरे मुकाबले में 100 रनों से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। पहले मुकाबले में जहां रोहित की सेना ने इंग्लैंड को 10 विकेट से शिकस्त दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ मुकाबले में अंग्रेजों ने भी बदला ले लिया है। इस मुकाबले में सबसे बड़ी हाईलाइट रही विराट कोहली की बल्लेबाजी। जी हां, पहले मुकाबले में नहीं खेलने वाले विराट कोहली दूसरे मुकाबले में जब वापसी कर रहे थे, तब सबको यही उम्मीद थी कि विराट इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलेंगे। जब कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, उस दौरान टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे। ऐसे में उम्मीद थी कि विराट कोहली भारत को मुश्किलों से निकालकर अपनी फॉर्म में भी वापसी कर लेंगे, लेकिन 25 गेंदों में महज 16 रन बनाकर कोहली भी आउट हो गए। इस पर क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने उन पर अपनी राय रखी है। इसी बीच सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने भी कोहली और रोहित शर्मा पर अपना बयान दिया है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने अपना बयान देते हुए कहा है कि जो लोग विराट कोहली को टीम से बाहर करने की मांग कर रहे हैं, पहले उन्हें विराट की योग्यता का पता होना चाहिए। विराट एक महान बल्लेबाज हैं और उन्हें अच्छे से पता है कि किस सिचुएशन में कैसी बल्लेबाजी करनी है। टीम से बाहर करना ही बड़ा समाधान नहीं है। विराट जैसे खिलाड़ी के बारे में तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि उन्हें टीम से बाहर रखा जाए। कोहली ने भारत के लिए कई सारे मुकाबले जीते हैं और अब वो आगे भी ऐसा करने वाले हैं। मुझे उनकी बल्लेबाजी पर पूरा भरोसा है। वहीं उन्होंने रोहित को लेकर आगे कहा है कि वो एक बेहतरीन कप्तान है, वो टीम को बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। मुझे उनकी कप्तानी बेहद पसंद है और भरोसा है भारत अगले मुकाबले में कमबैक करेगा। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने भी विराट कोहली और रोहित शर्मा पर अपनी राय रखते हुए कहा है कि कोहली और रोहित भारतीय टीम के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। मुझे नहीं लगता विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, उन्हें बस थोड़ी बहुत अच्छी किस्मत की जरूरत है और मुझे लगता है कि जल्द ही उनके बल्ले से एक बड़ी पारी निकलने वाली है। रोहित ने पहले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, जिस तरीके से वो गेंद को हिट कर रहे थे वो लाजवाब था। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम में एक बेहतरीन माहौल बना रहता है। मुझे पता है भारतीय टीम इस वक्त अच्छे हाथों में। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर के बाद सुरेश रैना ने कोहली को और रोहित पर अपना बड़ा बयान देते हुए कहा है कि विराट एक बेहतरीन खिलाड़ी है। जिस तरीके से उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए अपनी सेवाएं दी हैं, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। कुछ मुकाबलों में बल्ले के न चल पाने से इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला खिलाड़ी खराब बल्लेबाज हो। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो जल्द ही फॉर्म में लौटेंगे। दोस्तों, इसके साथ सुरेश रैना ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा है कि वो एक बेहतरीन कप्तान है। जिस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया को किया है, उससे ये बात साफ हो जाती है कि आईपीएल में 5 ट्रॉफी जीतना कोई आसान काम नहीं है। वो जल्दी महान कप्तान की श्रेणी में गिने जाएंगे। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और सुरेश रैना ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का बचाव किया है। वैसे आपका क्या मानना है, खराब फॉर्म के चलते विराट कोहली को टीम इंडिया से बाहर कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।